अरे पोडियम मंगाओ यार, बाइट्स में सो रहे हैं। व्हाट अ लुक मैन, व्हाट अ लुक। ले लो चल चल इधर वड़ा तो मुझे ले लो। यार ऐसे तो नहीं कर सकते यार, ऐसे फ्रेम वाइट होगी चाहिए पोडियम। बस बस रुकिए सर, इधर देखिए भाई रखना। गाइस रुक जाओ ना यार, रुक जाओ। अरे गाड़ी क्या हुआ अभी? गाड़ी निकल जाएगी। अरे गाड़ी पहले बाइक पे चलो, वहीं उतारो ना स्टार्स को यार, वहीं पे उतारो। एक मिनट आप रखो इसके। यार ये गिरेगा। एक मिनट आप रुक 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 इशिता, रुक 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 यार। दे 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 चल चल इशिता इस पे लगा पहले। गाइस रुक जाओ रुक जाओ, गिरेगा दूसरों के भी। मुझे कोबरा की बाइट कर लेंगे मेरा भूमि फिर और पटका करेगा ऐसे ऐसे रखा। मैं पकड़ के उसको बाइट गिव इट टू अस। ठीक है चलो चलो साइड आ जाओ, अभी जो भी है बाद में करेंगे। आ जाओ चलो आओ मुने चलो रोल सबका। हाय ओ बाबा गुड गुड सी जी जी। बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लगता है कि टाइगर इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक इन दिस फिल्म। बागी वन बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और जिस तरह से साजिद भाई ने इसे प्रेजेंट किया है, जिस तरह से फिल्म इस स्केल पे बनी है, अहमद बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे एंड आई एम सो हैप्पी फॉर एमू क्योंकि आई ऑलवेज फेल्ट ही वाज सो टैलेंटेड और आज फाइनली साजिद भाई ने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है बागी 2 में अपने टैलेंट को प्रूव करने का। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग एज अ डायरेक्टर एंड टाइगर तो इज़ फैबुलस। आई थिंक ही इज़ ग्रोइंग इन सुपर स्टारडम एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट एंड हम्बलेस्ट चिल्ड्रन इन द इंडस्ट्री। जी जी बहुत अनफेयर है यार। आई थिंक CBSE एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं आप या 12th का दे रहे हैं आप। खूब आशाएं लेकर पढ़ते हैं कि आपका करियर बने, कहीं आपको अच्छी जॉब मिले, आप सिंसियरिटी के साथ मेहनत करते हैं साल भर या फिर कम से कम एग्ज़ाम के दिनों में तो सिंसियरिटी से पढ़ते हैं और कुछ बच्चे आके चीटिंग करते हैं, लीक्ड पेपर का इस्तेमाल करते हुए आपसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाते हैं। ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है और मुझे लगता है कि बच्चों के करियर के साथ में, उनकी उम्मीदों के साथ में इस तरह से खिलवाड़ करना बहुत बुरी बात है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो पकड़े गए उनके साथ में तो बहुत ही सख्त बर्ताव किया जाना चाहिए। मैं ये फिल्म ये लुक ये मूछें जो हैं ये एकता के साथ जो मैं शो कर रहा हूँ फैमिली जो एक्शन बेस्ड सीरीज है उसके लिए। जी 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 यार उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की पर्सनल सेंटिमेंट्स जुड़ी रहती हैं तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक नेगेटिव बातें हैं उनसे मैं दूरी रहूँ। थैंक यू ऑल द बेस्ट गाइस। मैं यही सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं दो लाइंस में सुना देता हूँ आपको मैं क्यों एक्साइटेड। होनी मिनी मी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। होनी मिनी मी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। एवं करीना की, एवं करीना की, ओ एवं करीना किसे दे नाल प्यार। मुंडिया तो बच के रही नी तू, हुणे हुणे होई मुटियार। मुंडिया तो बच के रही। वाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे म्यूज़िक से बहुत प्यार है और मुझे अपनी कंट्री से सबसे ज़्यादा प्यार है। उसके बाद मुझे म्यूज़िक से बहुत प्यार है। तो म्यूज़िक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सब अंडरस्टैंड करते हैं। दैट्स इट। थैंक यू। कैसे हैं आप मैडम? ओके अहमद जी, आप कुछ ही घंटे बाकी रह गए, बाकी तीन घंटे काफ़ी मेहनत की गई है। वो सारी मेहनत हमें ट्रेलर और गानों में दिख रहा है। क्या टेक है अब आपका, कुछ ही घंटे बाकी रह गए? अब कुछ घंटे जो है मेरी ज़िंदगी के कई कई अरसे होंगे और बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी खुशी है, बहुत घबराहट है और एट द सेम टाइम ये कहूँगा कि इट्स अ फिल्म विच द ऑडियंस वुड लव टू सी। एक्शन भरपूर है और कहानी भी अच्छी है, सो आई डोंट थिंक दिल बी डिसअपॉइंटेड। नर्वसनेस तो बहुत है बट व्हेन आई विथ माय वाइफ शी कूल्स मी डाउन एंड साजिद नडियाडवाला मेरे प्रोड्यूसर हैं, वो बार बार मुझे गले लगाते हैं, बोलते तुमने अपना काम कर लिया, अभी ऑडियंस को अपना काम करने दो। बट आई जस्ट, वो कहते हैं ना कि टेंथ का एग्ज़ाम जब देते हैं तो आप कितने भी प्रिपेयर्ड हो, यू आर सो स्केर्ड कि पेपर क्या आएगा, व्हाट विल बी द क्वेश्चंस। तो वैसी एक बटरफ्लाई सी घबराहट है अंदर। पॉजिटिव है, पीपल हैव लाइक द ट्रेलर्स, पीपल हैव लाइक द म्यूज़िक, आई होप दे लव द फिल्म, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेल देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर कलाकार कलाकार होता है एंड चाहे वो किसी भी देश का हो, हमारी आवाम अगर उसे सुनना चाहती है तो वो आवाम पे छोड़ देते हैं। जिस दिन आवाम कहेगी कि ये मत करो तो नहीं करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक, यू नो, नॉट ऑन पर्टिकुलर सर्टेन पीपल। क्या बताऊँ मैं, ऑब्वियसली जब मेरे हस्बैंड काम करते हैं तो पूरी मेहनत शिद्दत और लगन से करते हैं,
और मुझे मालूम है कि वो बहुत दिल से काम करते हैं और उन्होंने ये फिल्म इतनी मेहनत से बनाई है और मुझे पता है कि खून पसीना और जो भी कुछ आप बोलो सब गया है ये फिल्म में। हर वाइफ वही कहती है। एक पीसी में इन्होंने बताया था कि आप ये अपना वेट लॉस करेंगे टाइगर की तरह दिखने की, इन्होंने इच्छा जताई है, आप बताइए आप भी ऐसा चाहते हैं कि ये टाइगर? ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि वेट लॉस करें और टाइगर की तरह दिखे। थैंक यू थैंक यू यार, देखोगे आप लोग ना कल देखे हमको नहीं देखने दे रहे यार अभी कल है यार ये फॉक्स मतलब कल है ना लगता कल है एग्जाम नहीं चाहिए इसका। अरे लोग को सॉरी तो चाहिए यार जगह नहीं तो क्या रखना इधर रखना इधर दे इधर दे इधर दे चल बस भाई चल जान दे जान दे जान दे जान दे रहे एक मिनट भाई इट्स अ ग्रेट फिल्म ट्रेलर लुक्स गुड एंड म्यूजिक हिट है फिल्म का सो इट्स अ गुड फिल्म ट्रेलर लुक्स गुड बहुत अच्छी लुक है डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम करा और म्यूजिक हिट है तो आई एम एक्साइटेड यस आई थिंक आर्ट व्हेन आर्ट वाज मेड इट डिडंट कम विद कास्ट रेस एंड रिलीजन व्हेन आर्ट वाज मेड इट वाज जस्ट सो दैट a human being can express emotions so I don't believe in it lo safar shuru ho gaya hum safar tu ho gaya thank you ये आ
Come, sir. Stand up. Come. ये एक्साइटेड है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लोगों ने पहले ही पार्ट को सराहा और अब चाहते हैं कि वो सेकंड पार्ट को भी सराहे सो दैट हम लोग पार्ट थ्री बना सकें. बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि वहाँ पे बारिश गिर रही थी और इन्होंने कुछ 16 घंटे एक्शन किए. एंड आई होप द ऑडियंस एंजॉयज जो इनका हार्ड वर्क है. मैं चाहता था कि हमारी टीम को एक कॉन्फिडेंस हो कि बिफोर रिलीज़ में ये अनाउंस करें. एक्चुअली मैंने ट्रेलर से पहले ये अनाउंस किया टू शो माय कॉन्फिडेंस इन द टीम, द डायरेक्टर एंड दी होल एक्टिंग टीम. एंड मुझे यकीन है कि द ऑडियंस विल लाइक इट एंड विल हेल्प अस मेक द पार्ट थ्री. अभी राइटिंग चालू है, विद इन अ मंथ विल कम टू नो. Yeah.
एक बाइट दे दो। मैं हूँ भाई, तो बाइट दे दो। बोल बस बढ़िया। जी बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ही नर्वस हूँ मैं। बस एक एक्सपेक्टेशन है ऑडियंसिस के, दर्शकों के, तो वो मीट करना चाहता हूँ बस। आई थिंक एक ज़रूरी चेंज था मेरे लिए, खासकर क्योंकि मुझे री इन्वेंट करना था खुद को। और या दोनों मैटर करता है, फैमिली फैमिली है तो मैं जो कुछ भी करूँगा अच्छा लगेगा। तो ज़्यादातर आई एम वेटिंग फॉर दर्शकों के रिव्यूज़। That's a tough one. I don't know. मैं पर्सनली एक बड़ा फ़ैन हूँ आतिफ सर का, को तो उससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कुछ। लीक हो गए पेपर्स, वो मुझे पता नहीं है उसके बारे में, बट बहुत ही अफसोस की बात है। अनफॉर्चुनेट दैट यू नो द पेपर्स हैव लीक्ड। आई कांट कमेंट मच ऑन दैट राइट नाउ। मेरा दिमाग अभी फिलहाल बागी बागी चल रही दिमाग। नहीं नहीं, आई थिंक वो बहुत ही अलग किरदार है मेरे लिए, मतलब बागी टू से कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खाली गेम खेल रहा था, मुझे कोई मिला नहीं था। बहुत अच्छा लगा, मेरा बच्चे का पिक्चर साजिद भाई ने इंट्रोड्यूस किया है। साजिद भाई है, साजिद भाई की पिक्चर है और बाबा का उनका कॉम्बिनेशन सॉलिड है। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा बाबा। अभी सामने दिख रहे हैं ना, साथ में नजर आए ना। तू कोई सब्जेक्ट लिख के दे। थैंक यू, जाना पड़ेगा, नहीं लेट होगा। और डाली क्या होगा? आई मीन बहुत एक्साइटेड। आई थिंक बाकी एक ऐसी फ्रेंचाइज है जहाँ मुझे रैम्बो की याद दिलाती है। एंड आई डोंट थिंक टाइगर हैज लुक्ड बेटर, लुकिंग आउटस्टैंडिंग। हमेशा था कि यू नो अनडाउटेडली कह सकते हैं कि देयर इज अकी ऑफ कोर्स ऑन वन साइड एंड देयर इज टाइगर ऑन द अदर। सो आई थिंक ही इज द न्यू एक्शन हीरो दैट द इंडस्ट्री was lacking for a long time, you know, and I think it's Tiger Shroff. सबसे सिंसियर एक्टर है, सबसे सिंसियर बच्चा है वो। और आई थिंक पहली फिल्म देखने के बाद भी मैंने यही कहा था कि नॉट ओनली इन इंडिया, आई थिंक ही इज अमंग द टॉप इन द वर्ल्ड। आई थिंक बहुत ही खराब और बहुत ही एक बहुत ही ख़राब मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो बच्चे जो पढ़कर यू नो वो डिस्टिंक्शन हासिल करते हैं,
उन पे बहुत अनफेयर है, बट लकीली मालूम किया गया है, तो आई थिंक समथिंग शुड बी डन अबाउट इट एंड विल बी डन अबाउट इट। एक सवाल और, अक्षय कुमार ने आज एक तस्वीर डाली आपके साथ, क्या हीरा फेरी की अगली सीक्वल आ रही है, आप बताइए। आई थिंक अक्षय से मैं मिलने गया था ऐसे ही दोस्ती में, और वो एक फ़ोटो छपा है, बट रिएक्शन देख के तो लगता है कि हीरा फेरी आनी चाहिए, अभी देखते क्या होता है। साजिद भाई उसी बिल्डिंग में रहते हैं और वक्त हमारा, हमने साथ किया था, तो ऐसे ही मस्ती के लिए हम साथ मिले, और साजिद भाई ऐसे भी आहान को भी लॉन्च कर रहे, तो मेरे लिए भी अपना घर ही है, तो इसलिए हम मिले थे। यू नो मैम, मेरा मानना है कि लेट टैलेंट रिमेन टैलेंट, लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो वैसे ही रहने दिए, हमारा दिल बड़ा है, we are Indians, और हमारा दिल हमेशा बड़ा रहेगा, और अतिथि देवो भव, अगर कोई किसी के दिल में है तो शायद इंडियन से बढ़कर कोई और नहीं है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। चालू हो ना, नहीं 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 वो नहीं करेगी, अच्छा ये चालू हो गया। बागी टू बागी वन का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आई लव दैट फिल्म, और ये तो और भी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, टू हमेशा वन से बेटर ही रहता है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मज़ा आएगा टू सी टाइगर। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में नंबर वन हो गया टाइगर विद एक्शन, और मैं बहुत ही प्राउड हूँ द वे ही इज़ डूइंग। उसमें एक एक्स फैक्टर है, जो एक एक्स फैक्टर ऐसी बात होती है जो आपको नज़र नहीं आती आम लोगों में, तो टाइगर हैज़ गॉट दैट, और मैं रियली वेट कर रहा हूँ इस पिक्चर को देखने के लिए। सेंट्रल लुक, ओके देखो भाई, पेपर्स तो लीक होते हैं, मुझे याद है स्कूल में मैं भी रोज़ रात को पढ़ाई कम करता था, पेपर ढूंढने निकलता था, और हमारे ज़माने में भी मैं तो खुद पेपर बना के बेचता था पेपर्स, आई मीन आई एम जोकिंग, बट ये सब मस्तियाँ होती रहती है, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, होना नहीं चाहिए, आई मीन रियल पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जो भी लीक होना चाहिए गलत पेपर्स लीक होने चाहिए, बिकॉज आई फील जो बच्चे यू नो मेहनत करते हैं पढ़ते हैं एंड देन फिर पेपर निकलता है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, सो आई फील ये गलत बात है, बट नकली पेपर्स घूमने चाहिए। वेल देखो ऐसे इसको कंट्रोल करना बहुत 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 ही मुश्किल होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, बिकॉज लोगों का भरोसा उड़ जाएगा एग्जाम से। किसी को लालच भी होगा पेपर्स लीक करने के लिए, बट इट्स नॉट गुड, होना नहीं चाहिए, बंद करो इसको जरूर। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक इसमें बागी से भी ज़्यादा एक्शन होने वाला है, आई मीन प्रोमोज आर लुकिंग अमेजिंग, द सॉन्ग आर लुकिंग अमेजिंग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में, उनके एक्शन के बारे में?
वेल आई थिंक टाइगर रियली सो इंस्पायरिंग, मतलब जिस तरीके से उनका डेडिकेशन है, चाहे वो डांसिंग हो चाहे वो एक्शन हो, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. सो आई थिंक ही रियली इज़ लाइक द परफेक्ट यू नो एक्शन हीरो दैट वी हैव. वेल आई थिंक दैट्स अ डिसीजन फॉर साजिद सर, आई थिंक वी शुड लीव इट फॉर हिम. आई थिंक वी शुड कीप इट, इट्स अ वेरी लवली इवनिंग. आज हम लोग यू नो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल ओकेजन के लिए आए हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बागी टू देखने के लिए. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. या थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय जी, बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी बटरफ्लाइज है काफ़ी, सबके साथ देखने वाली हूँ. वेरी नर्वस राइट नाउ. जी कैसे देखती हूँ स्टार की तरह, एक्शन हीरो वो है हमारे देश के एक्शन हीरो और बहुत हार्ड वर्किंग है और वो काम दिखता है स्क्रीन में जब वो एक्शन करते हैं. नहीं मेरा एक्शन नहीं है बिल्कुल नहीं. जी जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इज़ वेरी स्मार्ट. बहुत खराब बात है बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस. आई हैव कम फॉर माय फिल्म स्क्रीनिंग. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू. आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू वॉच एवरी फिल्म ऑफ हिज. आई थिंक हमने डेब्यू साथ में किया है तो समवेयर देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर, देयर इज अ स्पेशल कॉर्नर विच विल ऑलवेज बी लाइक दैट. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ही इज जस्ट गोइंग नेक्स्ट लेवल विद एवरी फिल्म एंड आई कांट वेट टू वॉच द फिल्म राइट नाउ. अभी ये तो आई एम रियली नॉट द पर्सन यू शुड आस्क बट या आई वुड डेफिनेटली वांट टू वर्क विद हिम अगेन. आई थिंक इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग गैप सो हीरोपंती 2 टाइप कुछ होना चाहिए. बहुत एक्साइटेड हूँ एंड इट्स अ ह्यूज फ्रेंचाइज एनीवेज एंड
I love comedies. I think it's very difficult to make people laugh. And I love being part of comedies also because आप दूसरों को हंसाते हो और आप साथ साथ खुद भी उतना ही मज़ा लेते हो फिल्म का. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दैट फिल्म. एंड येस इट्स माई सेकेंड विद साजिद सर. सो दैट आई एम वेरी एक्साइटेड. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कमिंग बैक होम टू माई होम प्रोडक्शन. सो या